हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से पतले हल्के बालों में खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा अपने आईब्रो के आज से लेके हेयर को एक पफ बनाया है, छोटा सा पफ बनाना है यहाँ पे। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और आपको शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है कि लॉन्ग अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज लेकर आऊँ आप लोग के लिए। तो पफ बनाने के बाद से साइड से इस तरीके से लेंगे और फ्रेंच चोटी बनाएंगे। फ्रेंच चोटी कैसे बनानी वो भी ध्यान से देखिए। सिर्फ ऊपर के हेयर को लेना है और इस तरीके से मिक्स करके बनाते जाना है। और जो हमने नीचे से लाइनिंग बनाई थी, बस उसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग नीचे से भी हेयर को लेंगे और फ्रंट चोटी बनाते जाएंगे। मेरी वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है एंड सेकंड चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके इजीली वहाँ तक जा सकते हो और विजिट कर सकते हो मेरे सेकंड चैनल पे। मैं इंस्टाग्राम आईडी पे, इंस्टा पे मैं रील्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ और सेकंड चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मेकअप से रिलेटेड, मेकअप की जो छोटी छोटी बारीकियाँ मिस्टेक होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताते रहती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाइएगा और उसको सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को। और लेटेस्ट भी चैनल वीडियोस की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में एंड प्रोडक्ट लिंक्स है, जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंच चोटी बनाई है एंड यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी मैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से बनाना है। ओके, तो इधर का हेयर ऐसे ही छोड़ेंगे एंड दूसरी साइड भी इस तरीके से थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेंगे एंड थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा हेयर लेंगे एंड ब्रेड के साथ मिलाते जाएंगे छोटी के साथ। तो इस तरीके से जैसे हमने उस साइड में किया था सेम उसी तरीके से इधर भी बनाना है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस टाइम आज व्यूज़ थोड़े से कम हो गए हैं, बट उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे और फिर से मैं ग्रो करूँगी अच्छे से। तो यहाँ तक इस तरीके से मैंने चोटी बना ली है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्लिप लगाएंगे, क्लिप जो हमारी दिख रही है वो दिखनी नहीं चाहिए, तो क्लिप के ऊपर ही मैंने इस वाली चोटी को भी रखा है और कुछ इस तरीके से क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी कि क्लिप दिखे ना। ओके, अंदर से। ओके, अब हम लोग एक पोनी बनाएंगे इतना करने के बाद से पोनी बनाएंगे एंड एक रबड़ बैंड लगा देंगे। बस रबड़ बैंड ही लगाना है और कुछ यूपिन्स की मदद से आप एक खूबसूरत सा बन। तो इस तरीके से रबड़ बैंड लिया है मैंने और रबड़ बैंड को सिंपली लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके बाल पतले हल्के हैं और लंबे हैं बट छोटा सा जुड़ा बनता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पोनी के हेयर को आगे की तरफ करेंगे एंड बैक कॉम्बिंग कर देंगे। बैक कॉम्बिंग से क्या होता है कि बालों में वॉल्यूम दिखने लगती है, बट बैक कॉम्बिंग करने से हमारे बाल इस तरीके से उलझ जाते हैं, तो उसको हाथों से सिंपली इस तरीके से नीचे की तरफ कर लेना है, जिससे कि आपके बाल उलझे हुए ना दिखे और आपके बालों में वॉल्यूम दिखे। ओके, तो ऐसे कर दिया। आप सिंपली बैक कॉम्बिंग के साथ ही आपको बालों को ट्विस्टिंग करना स्टार्ट करना है इस तरीके से, हल्का सा, ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं करना है सिर्फ, नहीं तो फिर बाल टाइट हो जाएंगे और पतला दिखे, छोटा सा जुड़ा बनेगा। तो इस तरीके से हल्का ट्विस्टिंग करके और जुड़े को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल लूज यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा पतले हल्के बालों में आप खूबसूरत सा बन बना के यहाँ पे रेडी कर दोगे, विदाउट डोनट, विदाउट क्लचर, कुछ भी नहीं लगाना है, बस यूपिन चाहिए और रबर बैंड चाहिए और खूबसूरत सा बन बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यूपिन की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ओके, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे आप यूपिन लगा दीजिएगा और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लोगे गजरे से या फिर हेयर एसेंसरीज से, जिससे काफ़ी खूबसूरत लुक आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। बन कैसा लगा, ट्रिक कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।